तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा काफी बेहतरीन गई होगी। कक्षा 12वीं का परीक्षा तो हो गया, अब इंतजार है तो बस आपके रिजल्ट का, ठीक है। इसी बीच बहुत सारे बच्चे का कॉल मुझे आ रहा है और बच्चे हमसे बस एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि सर, अब तो मैं कक्षा 12वीं की परीक्षा दे चुका हूं, अब आगे हमें यह सुझाव दें कि अब आगे मैं क्या करूं, अर्थात 12th के बाद हमें क्या करना है। तो प्यारे बच्चों, देखिए 12th के बाद आपको बहुत सारे विकल्प दिखेंगे, ठीक है। उस विकल्प को चयन करके आप अपना भविष्य काफी उज्जवल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन विकल्प तो बहुत सारा है, तो सभी विकल्प को एक ही बार बताना काफी जटिल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि ज्यादातर बच्चे जो बोल रहे हैं उसी विषय पर मैं सर्वप्रथम वीडियो बनाऊं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का कहना हुआ कि सर, 12th के बाद मुझे बीए करना है, क्या करना है? तो मुझे बीए करना है। आप मुझे यह बताइए कि मैं बीए में कौन सा विषय लूं, क्योंकि मैं चयन नहीं कर पा रहा हूं। बीए में बहुत सारे विषय हैं, और आप मुझे ये भी बता दीजिए कि बीए में कितने विषय हैं, ताकि मैं अच्छे से चयन और अच्छे तरीके से कर सकूं। तथा आप हमें यह भी बता दें कि किस विषय को लेने से हमें क्या क्या फायदे होंगे, ठीक है, उनके आधार पर भविष्य में मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं खास तौर पर आपको बताने के लिए आया हूं कि कक्षा 12वीं के बाद बीए में आपको कौन सा विषय लेना है। यदि आप अपना ग्रेजुएशन बीए से करेंगे तो, अर्थात बैचलर ऑफ आर्ट से करना चाहते हैं तो, ठीक है। आज मैं बीए में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं लगभग सभी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, तथा सभी के फायदे के भी बारे में बताऊंगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि मैं आर्ट्स पढ़ाता हूं, इसलिए मैं उन्हीं बच्चों के लिए यह वीडियो बनाया हूं जो बच्चे कक्षा 12वीं में आर्ट्स ले रखे हैं। क्योंकि आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं, लगभग 95% बच्चे वे 12th के बाद जो है वो बीए ही करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा रामायण गाने से कोई फायदा है नहीं, डायरेक्टली मैं सर्वप्रथम क्या करता हूं कि बीए में जो आपको परेशानी हो रही है कि मैं बीए में कौन सा विषय लूं, ठीक है, किस विषय के लेने से मेरा भविष्य उज्जवल होगा, उसी टॉपिक पर मैं डायरेक्टली बात करूंगा, ठीक है। तो हमारा आज आ गया बीए, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट। ये 3 साल का कोर्स होता है। बीए कर लीजिएगा, आप ग्रेजुएट कहलाइएगा। क्या कहलाइएगा? ग्रेजुएट, ठीक है। सर्वप्रथम बीए में हम लोग देखेंगे विषय, क्या देखेंगे? विषय, ठीक है। अब देखिए, बीए करने के लिए आपको एक विषय लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक विषय जो आपको कहलाता है ऑनर्स पेपर। क्या कहलाता है? ऑनर्स पेपर, अर्थात जिस सब्जेक्ट से आप बीए करेंगे वह आपका ऑनर्स पेपर हो जाएगा। उसी ऑनर्स पेपर के हिसाब से आपका परसेंटेज बनेगा, ठीक है। लेकिन साइड से आप सब्सिडी भी ले आ सकते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग आते हैं विषय के बारे में। तो विषय में सबसे पहले आते हैं डिमांडेड विषय, जिसका डिमांड सबसे ज्यादा रहता है। नंबर 1 पे आता है इतिहास, नंबर 1 पर। सेकेंड पर राजनीति विज्ञान, ठीक है, सेकेंड पर। थर्ड पे कौन? भूगोल। ये हो गया डिमांडेड, ठीक है। इसलिए इस तीनों को मैं एक साइड कर दिया। अब इसे मैं 4 को एक साइड करूंगा। 4 में आता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। 5 में आता है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। 6 में आता है
समाजशास्त्र, ठीक है। इसे मैं इस तीनों को एक साइड कर दिया। अब मैं साथ में यहां से लेता हूं, साथ में आ गया गृह विज्ञान, ठीक है। ये गृह विज्ञान हम लिखे हैं, गृह विज्ञान। आठ में आपका चल आता है दर्शन शास्त्र, नौ में चल आता है संगीत। इसको एक साइड कर दिया। अब मैं आता हूं भाषा, भाषा भी आपका होता है ना। दस में आपका हो गया भाषा में हिंदी, ग्यारह में हो गया अंग्रेजी, बारह में हो गया संस्कृत, तेरह में हो गया मैथिली, चौदह में हो गया, अरे बहुत सारा है, उर्दू है, बहुत सारा है, बंगला है, ये सबको छोड़ देते हैं भाषा, ठीक है। भाषा इतना काफ़ी है। अब लगभग 20 सब्जेक्ट है, लेकिन 20 में से इतना ही मेन सब्जेक्ट है, आपके कॉलेज में भी इतना से ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए जो भी चयन करना है इसी के अंतर्गत आपको चयन करना है। सबसे पहला हमें कौन सा सब्जेक्ट भाई चयन करना है, तो चयन करने का पहला नियम, चयन करने का पहला नियम, नियम फर्स्ट क्या है, आपका रुचि। पहला नियम आपका रुचि, आपका किस विषय में रुचि है, किस विषय को पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगता है और उसे बार 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 पढ़ने का मन करता है। मुझे तो काफ़ी इतिहास पढ़ने में अच्छा लगता है, तो मुझे तो इतिहास लगता है ना, बहुतों को राजनीतिक विज्ञान लगता होगा, बहुत को मन की बातों का अध्ययन करना काफ़ी अच्छा लगता होगा, इसलिए वो मनोविज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यह देखना है कि आपको किस विषय में ज़्यादा रुचि है। अंग्रेजी फराटेदार बोलने में रुचि है कि हिंदी में कवि कविता निबंध लिखने में रुचि है, ठीक है। इस रुचि को आपको पहले देखना है। तो रुचि क्या करता है, यदि आपको जिस विषय में रुचि है यदि उस विषय को लेते हैं तो आप यकीनन अपने सफलता की ओर अग्रसित होंगे। रुचि के कारण आप जिस विषय से बीए करते हैं, बीए करने के बाद पीजी कर लेते हैं, तो आप उस विषय के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, प्रोफेसर, ठीक है। अर्थात मुझे इतिहास काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने, इतिहास से मैं बीए किया, बीए करने के बाद फिर पीजी किया, और पीजी में नेट का एग्जाम दे करके नेट को क्वालिफाई करके मैं क्या बन गया, तो मैं इतिहास का प्रोफेसर बन गया। और इतिहास में नई नई घटनाओं को समझ करके इतिहास का निर्माण किया और कॉलेज में बच्चों को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया। इस प्रकार आप रुचि के अंतर्गत जितने भी विषय हैं अपने मनपसंद विषय को लेकर के आप एक प्रोफेसर भी बन सकते हैं, ठीक है। चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान हो, चाहे वो भूगोल ही क्यों ना हो, अर्थात अपने रुचि के हिसाब से विषय को लेना है, उसको पढ़ना है, पढ़ करके बीए पीजी करके प्रोफेसर बन जाना है। तो पहला अपॉर्चुनिटी हो गया, ठीक है। इसमें कहीं कोई सोचने का बात ही नहीं आता है, इतना पहला इसका कहानी खत्म। अब दूसरा आता है कि सर देखिए मेरे साथ दिक्कत यह है, हमको रुचि नहीं देखना, हमको रुचि भी देखना है। रुचि तो हमको इतिहास में भी है, राजनीतिक विज्ञान में भी है, भूगोलों में है, लेकिन आप हमको यह बताइए कि मैं चाहता हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी लेना है। क्या लेना है, सरकारी नौकरी। चूँकि मैं इंटर आर्ट से किया हूँ, बीए भी जो कर रहा हूँ वो आर्ट से ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जो भी सरकारी नौकरी का जो तैयारी होगा वो तो नॉन टेक्निकल होगा, जैसे एनटीपीसी हो गया, आरआरबी हो गया, ठीक है, एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, बीपीएससी एसआई हो गया, ठीक है, यूपीएससी हो गया,
इन सभी का आप तैयारी कर सकते हैं। तो इतना सब सेक्टर है, आप हमें ऐसा सब्जेक्ट का नाम बताएं कि जिस सब्जेक्ट को बीए में पढ़ने से वो उस सब्जेक्ट का सिलेबस सब में मैच कर जाए, अर्थात उस सब्जेक्ट को पढ़ करके बिना कंपटीशन की तैयारी किए हुए हम काफ़ी अच्छे से कंपटीशन का एग्जाम दे सके और सरकारी नौकरी बहुत जल्दी से प्राप्त कर सके। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कहें कि यदि आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आंख मूंद करके आपको इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले लेना है, या तो इतिहास लीजिए या तो राजनीतिक विज्ञान लीजिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल का आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी, चाहे बिहार एसआई का दीजिए, ठीक है, अर्थात बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, बीएसएससी का एग्जाम दीजिए, यहाँ तक कि यूपीएससी का भी एग्जाम दीजिएगा, उसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस रहेगा ही रहेगा, अर्थात इन दोनों विषय का जो वर्चस्व होता है वो ज़्यादा होता है, इन दोनों विषय से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादातर तो इतिहास से पूछे जाते हैं, नंबर वन। ठीक है, तो यदि आप इतिहास लेते हैं तो यह जो विषय है आपको सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। ठीक है, क्योंकि इतिहास आप 3 साल पढ़िएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ईयर जो रहता है उसका जो पहला जो पेपर रहेगा, फर्स्ट ईयर में ऑनर्स का 2 पेपर होता है, पेपर वन पेपर सेकेंड। पेपर वन में देखिएगा कि पूरा सिलेबस 12th का मैच रहेगा और एकदम डिटेल से पढ़ना है, और वह सिलेबस आपको डायरेक्टली बीपीएससी का सिलेबस आपको बन जाता है, वहाँ से डायरेक्टली टेली करता है, यूपीएससी में टेली करता है। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से पढ़िएगा तो यकीनन आप सफल 100% हो जाइएगा। ठीक है, तो आँख मूंद करके क्या कर लेना है, इतिहास को ले लेना है या तो राजनीतिक विज्ञान को ले लेना है। ठीक है, तो यह होता है कि बीए में एक तो हो गया ऑनर्स पेपर, ऑनर्स का कहने का मतलब कि जिससे आप बीए कर रहे हैं, अब मान के चलिए हम इतिहास से करना चाहते हैं तो इतिहास मेरा हो गया ऑनर्स पेपर, अर्थात जितने भी अंक आएंगे उसी अंक के हिसाब से मेरा प्रतिशत बीए में बनेगा। 3 साल का बीए होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 2 पेपर, सेकेंड ईयर में 2 पेपर और थर्ड ईयर में 4 पेपर ऑनर्स पेपर कर रहेगा, इस हिसाब से 8 पेपर बन जाएगा। तो 8 पेपर के हिसाब से आपका परसेंटेज बन जाएगा, बाकी का आपका जो सब्सिडरी आपका रहेगा। ठीक है, सब्सिडरी आपको जो 3 पेपर में आपको जो लेना है, ठीक है, उसमें भाषा भी होता है, चाहे तो आप पॉलिटिकल साइंस में सब्सिडरी के रूप में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां मेरा हो गया गवर्नमेंट के उद्देश्य से। तो यदि गवर्नमेंट के उद्देश्य आप है तो आंख मूंद करके या तो हिस्ट्री या तो पॉलिटिकल साइंस आप ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर बात खत्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट विषय के बारे में। ठीक है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर के लिए इच्छुक हैं, तो आप आंख मूंद करके इकोनॉमिक्स आप ले सकते हैं। अर्थव्यवस्था को समझने में उसमें आप रुचि दिखाते हैं तो अर्थशास्त्र आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है। ठीक है, मनोविज्ञान विषय के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मनोविज्ञान के अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है, मानव के मन का, मानव के व्यक्तित्व का, मानव के व्यवहार तथा मानव के चेतना का अध्ययन किया जाता है। अर्थात आपको यदि दूसरे मानव का व्यवहार का अध्ययन करना है, उनके चेतना का अध्ययन करना है, उनकी आत्मा का, मन का अध्ययन करना आपको पसंद लगता है, तो आप आंख मूंद करके मनोविज्ञान लेकर के, ठीक है, मनोविज्ञान वेता बन सकते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र, यदि आपको समाज को समझना है, समाज के बारे में जानना है और समाज के बारे में जान करके कुछ जनता सेवा करना चाहते हैं तो आप समाज शास्त्र भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वे बच्चे भी खास करके ले सकते हैं जो भविष्य में एक नेता के रूप में उभरना चाहते हैं,
जैसे बिहार का नेता उभरना चाहते हैं या देश का नेता उभरना चाहते हैं या अपने गांव मोहल्ले का भी नेता बन करके उभरना चाहते हैं, तो वो भी जो है राजनीतिक विज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि राजनीति का मतलब ही है राजनीति, उसमें राजनीति आपको रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यदि आप नेता बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं और देश का विकास करना चाहते हैं, देश का विकास करने में सबसे बड़ा योगदान होता है नेता का, यदि आप नेता बनना चाहते हैं तो और भी आप राजनीतिक विज्ञान आप ना ले सकते हैं। इतिहास, यदि आपको पुरानी चीज अच्छी लगती है, पुरानी चीज़ों के विषय में जानना अच्छा लगता है, तो आप इतिहास को और रुचि के अनुसार आप ले सकते हैं। इतिहास लेकर के आप जो है पुरातत्वविद बन सकते हैं, आर्कियोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इसका स्कोप है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत पुरातत्व विभाग में आपका अच्छा खासा नौकरी भी है ना लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप इतिहास भी ले आप है ना सकते हैं, बीता हुआ यदि घटना पसंद है तो। ठीक है, भूगोल, आर्ट्स का साइंस कहलाता है भूगोल, आर्ट्स का साइंस कौन कहलाता है, भूगोल। यदि आप भूगोल लेते हैं इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है, एकदम कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे जो सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे, रुचि है तो सब सब्जेक्ट में स्कोप है। ठीक है, भूगोल में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, आँख बंद करके आप ना ले सकते हैं। दर्शन शास्त्र, आप में से बहुत कोई दर्शन शास्त्र के बारे में नहीं समझते होंगे। दर्शन शास्त्र का मतलब होता है वास्तविक चीज़ों को देख करके मानव को समझना या मानव के बारे में जानना। यदि आप इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं या जानना चाहते हैं तो आप दर्शन शास्त्र अर्थात जिसको अंग्रेजी में फिलोसफी कहते हैं, आप फिलोसफी ले करके आप भविष्य में फिलोसफर भी बन सकते हैं। गृह विज्ञान, यदि आप घर, गृह विज्ञान के अंतर्गत गृह मतलब घर का, ठीक है, घर के अलावा इसमें और भी चीज़ों के बारे में जानकारी होता है, जैसे शिशुओं के बारे में। यदि आपको शिशुओं के बारे में जानना पसंद है, ठीक है, तो आप गृह विज्ञान को भी ले आप ले सकते हैं। घरेलू कार्यों को करना चाहते हैं तो भी आप गृह विज्ञान आप ले सकते हैं। यदि आपको गाना गाना पसंद है तो आँख मूंद करके संगीत आप ना ले सकते हैं। ठीक है, यदि आपको भविष्य में लेखक बनना है, कवि बनना है, साहित्य पसंद है, आँख मूंद करके हिंदी ले लेना है। यदि आपको अंग्रेजी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, अंग्रेजी के प्रोफेसर, अंग्रेजी के राइटर बनना चाहते हैं या पोएट बनना चाहते हैं तो अंग्रेजी ले सकते हैं। संस्कृत में यदि आपका दिलचस्पी है तो आप संस्कृत भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा सब्जेक्ट बच गया, तो कोई नहीं बच गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर बात कर देते हैं कमज़ोर बच्चों के लिए। जो बच्चे एकदम कमज़ोर हैं, बहुत सारे बच्चे बस अपना डिग्री निकालना चाहता है कि नहीं बीए कर लूँगा, ग्रेजुएट हो जाऊँगा, बस आसानी से ग्रेजुएट हो जाए, हम मेरे पास समय नहीं रहता है, मुझे जॉब भी करना पड़ता है, बहुत बच्चे जॉब भी करते हैं। तो उसके लिए आप जो है साइकोलॉजी ले सकते हैं, साइकोलॉजी में आपको प्रैक्टिकल दिख जाएगा। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकल किस में दिखेगा, साइकोलॉजी में अर्थात मनोविज्ञान में प्रैक्टिकल दिखेगा, भूगोल में प्रैक्टिकल दिखेगा, गृह विज्ञान में प्रैक्टिकल दिखेगा, संगीत में प्रैक्टिकल दिखेगा, 1 2 3 4 विषय में प्रैक्टिकल आपको दिखेगा। इसलिए आपका जो ग्रेजुएशन में नंबर है वो नंबर भी काफ़ी अच्छे से आपको चले आएंगे। ठीक है, तो अब आपको यह तय करना है कि आपको कौन सा विषय लेना है। मैंने सारी बातें बता दिया, एक बीए के अंतर्गत बीए में सभी विषय को बता दिया, किस विषय को लेने से क्या होगा ये भी मैं आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। यदि कोई छूट गया हो पॉइंट तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यह पॉइंट छूट गया है, कृपया इस पॉइंट को आप अच्छे से समझा दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। धन्यवाद।